जय माता दी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑयली स्किन की देखभाल कैसे करें? फेस की स्किन इतनी ज़्यादा ऑयली है कि हर समय चेहरे पर तेल महसूस होता है। दिन में कई बार फेस धोते हैं, उसके बावजूद भी चेहरे पर हमेशा तेल महसूस होता रहता है। कोई भी मेकअप लगाते हैं वो कुछ ही देर के बाद में ऑयली स्किन की वजह से ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऑयली स्किन की देखभाल कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पर जो मैं आपको उपाय बताऊँगी, जो ट्रीटमेंट बताऊँगी, उनमें आपका एक रुपया भी खर्चा नहीं होना है। सिर्फ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, अपनी केयर करनी है, और आप अगर ढंग से कर लेंगे तो निश्चित ही आपकी ऑयली स्किन नॉर्मल स्किन में चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? तो सबसे मेन चीज़ देखिए, आपकी स्किन चाहे ऑयली है, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, या ड्राई है, या मिली जुली स्किन है, अपनी स्किन के ऊपर आप साबुन जितना कम लगाएंगे उतना ही बेहतर है, और बिल्कुल ना लगाएं बहुत अच्छा। अब आप कहेंगे ऑयली स्किन है, साबुन भी नहीं लगाना, तो फिर साफ़ कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप कच्चा दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ लोगों का कहना है कि कच्चा दूध लगाने से उन्हें अजीब सा फील होता है या उन्हें स्मेल पसंद नहीं है दूध की, तो वो लोग अपने फेस को स्किन टोनर से क्लीन कर सकते हैं। स्किन टोनर आप आयुर का ले लीजिए, और किसी ब्रांड का ले लीजिए जो आपको पसंद आता है। रुई का एक फाहा लीजिए, उस पर स्किन टोनर की कुछ बूंदें डालिए, यानी रुई के फाहे को स्किन टोनर से आप गीला कर लीजिए और अपने फेस को आप पोंछ के साफ़ कर दीजिए। या आप गुलाब जल में रुई के फाहे को भिगोइए और अपने फेस को पोंछ के क्लीन कर दीजिए। उसके बाद में सादे पानी से आप चेहरे को धो लीजिए। आपको अगर लगता है कि चेहरे के ऊपर ज़्यादा मैल और गंदगी जम गई है, तो अपने चेहरे को धोने के लिए आप सूखा बेसन यूज कर सकते हैं। अपने चेहरे को गीला कीजिए। आप चाहे लेडीज हैं या जेंट्स हैं, जो मैं बता रही हूँ ये दोनों लोगों पर बराबर काम करेगा। चेहरे को हल्का सा गीला कीजिए, आधा चम्मच बेसन सूखा अपनी हथेली पर लीजिए, इस तरीके से मल लीजिए, यानी आपके हाथ गीले होने चाहिए, और गीले हथेली पर आप आधा चम्मच बेसन लीजिए सूखा, इस तरीके से मल लीजिए। उसके बाद अपने चेहरे को धीरे धीरे मसाज दीजिए। तो इस बेसन से आपके जो चेहरे की एक्स्ट्रा चिकनाहट है, ऑयल एक्स्ट्रा है, वो ये बेसन खींच लेगा और आपके फेस को एकदम क्लीन कर देगा। या आपके पास चावल का आटा है तो बेसन की जगह आप आधा चम्मच या एक चम्मच अपने फेस के हिसाब से, इसका छोटा बड़ा जैसा भी फेस है, अपने हथेली पर सूखा आटा लीजिए चावल का, मलिए और चेहरे को धीरे धीरे मलते हुए साफ़ कीजिए, और एक आध मिनट मसाज करने के बाद में सादे पानी से आप चेहरे को धो लीजिए। अगर आपके पास चावल का आटा और बेसन कुछ भी नहीं है, तो आप गेहूं का आटा भी यूज कर सकते हैं। अब इससे सस्ता और क्या उपाय होगा? अब आपको फेस पैक कौन सा लगाना है? तो फेस पैक भी आपको घरेलू चीज़ों से बता रही हूँ, जिसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाना नहीं है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, मान लिया स्किन आपकी ऑयली है, और ऑयली स्किन होने के साथ साथ आपके फेस के ऊपर किसी तरह के कोई भी दाग धब्बे हैं, यानी कि आपके आँखों के आसपास बहुत तरह के स्पॉट्स दिखते हैं, जैसा लगता है चाय की पत्ती के जैसे स्पॉट्स पड़ गए हैं, या आपके गालों के ऊपर झाई जैसे धब्बे पड़ गए हैं। देखिए, चेहरे का हर एक धब्बा, झाई या डार्क सर्कल या काले घेरे नहीं होता है, कुछ विटामिन की कमी के कारण भी तरह तरह के स्पॉट्स हमारे फेस पर पड़ जाते हैं, जो कि झाई नहीं होते हैं, काले घेरे भी नहीं होते, लेकिन चूँकि हमारे बॉडी के अंदर उन विटामिन्स की कमी हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं अपना दुष्प्रभाव छोड़ते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप कुछ धब्बे दिखने लगते हैं, जिनको हम डार्क सर्कल या झाई समझते रहते हैं, लेकिन हर धब्बा डार्क सर्कल या झाई नहीं होता है। तो इनको मिटाने के लिए आपको क्या करना है? आपको लेना है कुछ भी नहीं, मैं आपको बहुत सस्ती चीज़ यहाँ पर बता रही हूँ, और आप निश्चित आप करके देख लीजिए, पक्का आपको फ़ायदा होगा। आप एक चम्मच गेहूं का आटा ले लीजिए, क्योंकि गेहूं का आटा, कोई भी ऐसा घर नहीं जहाँ पर गेहूं का आटा यूज़ नहीं होता है। एक चम्मच आप गेहूं का आटा लीजिए, उससे आपको छानना नहीं है, चोकर सहित आपको आटा लेना है। उस एक चम्मच गेहूं के आटा में आपको आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाना है। आपके यहाँ अगर कॉफ़ी पाउडर उपलब्ध है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो जो 2 रुपये का सहसे आता है, एकदम छोटा सा पाउच आता है,
2 रुपए का आप वो ले लेंगे, वही आप आधा पाउच इसमें डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एलोवेरा का अगर आपके यहाँ प्लांट लगा है तो आप आधा चम्मच एलोवेरा ले लीजिए, या आपके पास अगर रेडीमेड उपलब्ध है तो आप आधा चम्मच एलोवेरा जेल ले लीजिए, और अगर नहीं है तो आप एलोवेरा मत लीजिए, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। एलोवेरा इसलिए है स्किन की नमी पूरी तरीके से ख़त्म ना होने पाए, स्किन की जो नेचुरल नमी है वो बनी रहे, इसके लिए एलोवेरा जेल होता है, स्किन की केयर करता है और स्किन में थोड़ी चमक भी जगाता है अच्छी सी, तो इसके लिए होता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसकी जगह फिर आप गुलाब जल यूज कर सकते हैं। गुलाब जल वैसे भी आप यूज करेंगे, आपके फेस पैक आप कोई भी लगा रहे हैं उसमें अगर आप गुलाब जल यूज करते हैं तो फेस पर बहुत अच्छी सी चमक आती है। आप देखिए, आपने आटा लिया है, कॉफ़ी पाउडर लिया है, इन चीज़ों को मिक्स करने के लिए आपको लेना है या तो कच्चा दूध, या टमाटर का रस, या आलू का रस, या गुलाब जल। तो अगर फेस पर बहुत तरह के दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो आपको आधा चम्मच आलू का रस, आधा चम्मच टमाटर का रस और आधा चम्मच आपको नींबू का रस लेना है। इन सब चीज़ों को डाल करके बहुत अच्छी तरीके से इस पेस्ट को आप मिक्स कीजिए। और अगर कोई दाग धब्बे नहीं है, केवल स्किन आपकी ऑयली है, तो आप केवल गुलाब जल या पानी के साथ में इस फेस पैक को मिक्स कर सकते हैं। इसको ढक के 2-3 मिनट के लिए आप रेस्ट करने को रख दीजिए, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से फूल सके। उस 2-3 मिनट में अपने चेहरे को आप पानी से धो के क्लीन कर लीजिए और पोंछ लीजिए। उसके बाद अपने पूरे चेहरे से लेकर गर्दन तक इस फेस पैक को एक लेप की तरह एक मोटी लेयर इसकी लगा दीजिए और 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट के बाद में अच्छी तरीके से अपने चेहरे और गर्दन को पानी से आप गीला कीजिए। उसके बाद में धीरे 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 मलते हुए इस फेस पैक को उतार दीजिए और सादे पानी से अपने चेहरे और गर्दन को धो लीजिए। और अगर आपने नहाने से पहले इसको यूज किया है तो आप नहा भी सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह का फेस पैक बना करके एक उपटन के रूप में आप पूरे बॉडी में यूज कर सकते हैं। इससे आपके पूरे बॉडी की रंगत एकदम खिल जाएगी। अगर पूरे बॉडी की स्किन ऑयली है या और कोई प्रॉब्लम्स है स्किन में, तो एकदम क्लीन हो जाएगी। गर्दन में अगर कालापन है, कोहनियों में, हाथ की कोहनी में या हाथों में कालापन है, तो भी अगर इसको आप यूज करते रहेंगे लगातार, तो वो चीज़ें भी एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को हम यूज करके, छोटी छोटी सी बातों का ध्यान कर रख के और थोड़ी सी मेहनत करके अपनी स्किन को हमेशा चमकदार और हेल्दी बनाए रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वास्तव में आपको लगता है कि वीडियो उपयोगी है और आपको, आप, मैं कह रही हूँ ना, यकीन मानिए, आप इसको करके देखिए, निश्चित ही आपका चेहरा एकदम चमक जाएगा। 1 हफ्ते में पूरी तरीके से रिजल्ट आपके सामने आपको दिखने लगेगा। रेगुलर इसको यदि आपने अपने रूटीन में लिया तो आपकी स्किन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी, बहुत ही चमकदार और अच्छी हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा ऑयल है स्किन का, बिल्कुल निकल जाएगा, आपकी स्किन एकदम नॉर्मल हो जाएगी। ये फेस पैक आपको रोज़ लगाना है, और समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा इसको। नमस्कार, धन्यवाद।